18 फरवरी से शुरू होने वाली बोर्ड परीक्षाओं को नकल विहीन कराने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने जनपद भर के सभी इंटर कॉलेजों के प्रधानाचार्यों की बैठक बुलाई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने साफ शब्दों में ये निर्देश दिए कि अगर परीक्षा के दौरान किसी भी कॉलेज में नकल की शिकायत मिली, कोई परीक्षार्थी जमीन पर बैठकर परीक्षा देते मिला या फिर कोई भी कमी सामने आई तो संबंधित कॉलेज और कॉलेज के प्रधानाचार्य के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बताते चले कि आगामी 18 फरवरी से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं होनी है, जिनमें लगभग 1,00,000 छात्र छात्राएं इस वर्ष बोर्ड की परीक्षा देंगे। शिक्षक सम्मान से सम्मानित शिक्षक यूनियन में जाते ऐसे दर्दनाक निंदाजनक प्रताप को हमें खत्म करना है। एक बना यह कॉलेज जहां 600 700 800 बच्चे परीक्षा के लिए आ रहे हैं, आप रोज वहां पठन पाठन कर रहे हैं, वहां पे टॉयलेट नहीं बना सकते? मेरे कार्यालय का टॉयलेट बनाने का जिम्मेदारी मेरी है, मैं विभाग अध्यक्ष हूँ। उसी तरह आपको भी वहां कराना है टॉयलेट, फर्नीचर, सीटिंग प्लान की व्यवस्था किस तरह होना चाहिए, एक बेंच में इस तरह एक कोने में, उस तरह एक कोने में, दो से ज़्यादा ना हो, बेंचेस की व्यवस्था, वहाँ पे ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, ये सब सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर पूर्व में किया है बहुत अच्छा, उसको और सुदृढ़ बनाइए और अच्छी व्यवस्थित बनाइए, और मुझे ये सब का प्रमाण पत्र सभी प्रिंसिपल से परीक्षा के 15 दिन पहले जब एक्चुअल संख्या हर कॉलेज की तय हो जाएगी उस टाइम में सीटिंग प्लान सहित अवस्था मिल जाना चाहिए। मैं यहाँ से गाड़ी घुमाऊंगा, 164 गाड़ियों 164 सारे सेंटर्स का निरीक्षण होगा कि हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाओं को सुचितापूर्ण एवं नकल विहीन संपन्न कराने के लिए बिना किसी पूर्ण निष्ठा से कार्य करूंगा तथा परीक्षा कार्य से जुड़े हुए समस्त कर्मियों से परीक्षाओं में नकल कराने में ना तो संलिप्त होगा और ना ही किसी अन्य को संलिप्त होने दूंगा। जय। आज आगामी बोर्ड परीक्षाओं के लिए जो केंद्र चयनित हुए हैं उनके केंद्र व्यवस्थापक प्रधान अध्यापक के साथ बैठक हुई है, और उस बैठक में हम लोगों ने अवस्थापना संबंधी समस्याओं के बारे में उनको अवगत कराया कि सभी दुरुस्त हो जाने चाहिए बोर्ड परीक्षा के पहले ही, और सीटिंग प्लान फाइनलाइज हो जाना चाहिए, और ये भी बताया कि नकल विहीन शांति व्यवस्था के साथ इन परीक्षाओं को संपन्न कराएं, उनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिया, उनको शपथ भी दिलाया, और ये स्पष्ट रूप से बताया कि जिला प्रशासन उनको पूरी पुलिस व्यवस्था और शांति व्यवस्था के लिए जो आवश्यक कार्रवाई है मजिस्ट्रेट की तैनाती वो सब करेगा, उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, और साथ साथ उनको पूरे कटिबद्धता के साथ नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए आज निर्देशित किया गया, और अगर कहीं पे खामियां मिलती हैं, कहीं अनियमितता मिलती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उनको सचेत किया गया। इस बार हमारी पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था ऐसी रहेगी कि हर केंद्र पे नजर रहेगी, अगर कहीं गलती हो पाया जाता है तो वहाँ उस कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई या मान्यता समाप्त करना FIR करने की कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए इस बैठक बुलाई गई ताकि पहले से हम लोग तैयारी करें, इस बार किसी तरह की नकल होने की संभावना खत्म की जाएगी। बताया गया था कि जहाँ जहाँ अवस्थापना सुविधा कमी है, चाहे वो पेयजल, शौचालय, फर्नीचर की कमियाँ मिलती हैं तो वहाँ दुरुस्त करा लें, अगर कहीं पे समस्या होती है तो DIOs या मेरे कार्यालय में संपर्क करें, मैंने यही बताया, और परीक्षा के पूर्व 15 दिन पूर्व में ही ये व्यवस्थाएँ सुदृढ़ की जाएंगी। कॉलेजेस की जाँच होगी, अभी शिक्षा की नियमित रूप से समीक्षा होगी, और जहाँ जहाँ ऐसी खामियाँ मिलती हैं वहाँ उत्तरदायित्व निर्धारित होगा।